नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिस्क टॉक पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें मैं आप सभी को ये चीज़ बताऊंगा कि परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे हल करने हैं, इसका क्या सही तरीका है। क्योंकि जब दोस्तों हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी दुविधाएँ आती हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, या फिर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें दो विकल्पों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि बी है या सी है, या फिर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे भी होते हैं पेपर में जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और जब बिल्कुल भी कोई प्रश्न नहीं आता तो हमें वहाँ पर गैस कैसे करना है, टुक्का कैसे लगाना है, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी तरीकों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप समय का सही सदुपयोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है आपका परीक्षा करने का, परीक्षा में जब भी आप पेपर देते हैं सबसे पहले आते हुए प्रश्न, दोस्तों आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर है, 150 प्रश्न आपके आएंगे। आप जब 150 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं, क्योंकि अक्सर गलती ये हो जाती है कि हम उन क्वेश्चनों में ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें नहीं आते, या दो विकल्प में जो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ अटक जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी के क्वेश्चन जो आपको आते भी होंगे वो भी आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हैं और बिल्कुल आप देख के ही कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं 10 to 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिसमें आपको ऑप्शन देख के ही आप बता सकते हो यही है। जैसे कि कभी कभी डी ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ दी एबव, तो ये जो ऑल ऑफ दी एबव वाले क्वेश्चन होते हैं, या कभी कभी सी ऑप्शन आ जाता है कि ए एंड बी बोथ, या फिर डी में आ जाएगा कि सी एंड बी बोथ। तो मतलब दोस्तों ये जो बोथ वाले क्वेश्चन या ऑल ऑफ दी एबव वाले क्वेश्चन हैं इसमें भी मैं आपको बता दूँगी लगभग 90% तो आपके सही होते ही हैं, जो उपयुक्त सभी और या फिर ये उपयुक्त दोनों। तो ये वाले क्वेश्चन तो आप देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पे यही इसका आंसर होगा। और सेकंड थिंग ये होती है कि 150 में से कम, क्योंकि आप जब सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम आपके 70 से 75 प्रश्न तो आपके ऐसे ही होते हैं जो आपको श्योरली आते हैं। अगर आप 70 क्वेश्चन भी लो, 50% नहीं भी लो एग्जैक्ट, तो भी 70 क्वेश्चन आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको आते ही होंगे। अब आपको परीक्षा पास करने के लिए चाहिए 90 नंबर, तो 60% आपको चाहिए, तो बाकी के 20 आप कैसे बढ़ाएंगे ये मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। अब दोस्तों सेकंड स्टेप है आपका दो विकल्पों में कन्फ्यूजन होना। सबसे पहले तो आपने जितने क्वेश्चन आपको आते थे 70 से 75 आपने कर लिए, लेकिन अभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें दो विकल्पों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है, जैसे कि ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन आए, लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे परीक्षा में बैठ के, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब हमें दो ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है तो यहाँ पे आपको अपने, जैसे कि मान लो बी और सी में आपको कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, अपने कॉमन सेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपको लिंक करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपका, चाहे बाल विकास पे हो, या आपका ईवीएस पे हो, या आपका सामाजिक विज्ञान पे हो, एनीथिंग, कोई भी आपकी चीज़ का आप जो पेपर दे रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने इस क्वेश्चन को लिंक करना पड़ेगा बी और सी से, और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस पे है। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने विवेक से काम लेना है, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको क्वेश्चन तो सारे ही अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आते हों चाहे नहीं आते हों, इसलिए यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अब अगर मैं मान भी लूँ कि अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको ये होते हैं जिसमें आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, मान लिया 70 से 75 आपके वो हो गए जो आपको पूरे आते थे, 10 से 15 आपके ये हो गए जो आपके दो विकल्प में आप में कन्फ्यूजन होती है। अगर हम इसका 50-50% भी लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं 5 से 8, तो आपका स्कोर हो जाता है करीब करीब 75 से 80 के बीच का। अब बाकी के जो 10 से 15 आपको क्वेश्चन अपना जो स्कोर करना है वो आप कैसे करेंगे, तीसरा स्टेप आता है बिल्कुल ना आने वाले प्रश्न किस प्रकार टुक्का लगाना है। अब दोस्तों आपका स्कोर कितना हो गया, 75 से 80 तो आपका हो ही गया है, जो दो विकल्प वाले भी कर लिए और जो सबसे पहले हमें आते थे वो भी कर लिए। अब बात आती है कि 10 से ये जो 15 का जो स्कोर है अब ये कैसे खींचेगा। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन की स्ट्रेंथ क्या बची, करीब 50 से 60 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बच गए जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और अब इनमें से हमें
सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने हैं और हमारा 90 आ जाएगा, और हमारा 90 स्कोर आ गया तो हमारा सीटेट क्वालिफाई। अब गैस कैसे करना है दोस्तों, गैस करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बिल्कुल एक सटीक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपकी परीक्षा 100% आप पास कर ही लोगे। जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये आपको चार कॉलम दिए, अब आपको इसमें गैस करना है कि आपका क्या है। अब मैं इसमें आपको टुक्का लगाने का एक सटीक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कोई भी आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ईवीएस के आप कर रहे हो, अब मान लो कि ईवीएस में आपके 30 क्वेश्चन हैं, अब 30 में से मान लो कि आपने 20 क्वेश्चन कर लिए जो आपको श्योरली आते थे, इस सेक्शन के 30 में से 20 आपको पूरे आते थे और आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये ध्यान से सुनना और जैसे मैं बता रहा हूँ। अब इस 20 में से आपने मान लो कि 7 क्वेश्चन आपने ए लगा दिए, ठीक, 7 क्वेश्चन आपने बी लगा दिए और 4 क्वेश्चन आपने सी लगा दिए और 2 क्वेश्चन आपने डी लगा दिए, तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कम आपने क्या लगाया है, सबसे ज़्यादा कम आपने डी को लगाया है। और क्योंकि अब ए तो आपके सारे हो गए 7 से 8 क्वेश्चन, बी के भी आपने 7 से 8 टिक कर लिए, सी के भी आपने 3-4 टिक कर लिए और डी के आपने सिर्फ 2 ही टिक किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप टुक्का लगाते हैं तो डी में आपने सिर्फ 2 ही टिक किए हैं, तो एक एवरेज अगर औसत के हिसाब से हम देखते हैं जो पेपर बनता है, तो जब 30 क्वेश्चन का आपका ये पेपर है तो इसमें ऑन एन एवरेज करीब करीब 7 से 8 प्रश्न आपके हर ऑप्शन के सही होते हैं। तो अगर 7 से 8 प्रश्न हर ऑप्शन के सही हैं तो डी के आपने जो 2 लगाए हैं अभी भी कम से कम 5 से 6 आपके बचते हैं जो कि आपके सही हो सकते हैं। तो अभी आपको 10 क्वेश्चन और करने, 20 आप कर चुके हैं, 10 आपको और करने, तो अगर आप सारे डी भी लगा देते हैं तो आपके ऑन एन एवरेज कम से कम 4 से 5 आपको डी सही करके देगा ही देगा, और यही आप दूसरे सेक्शन पे भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपके अगर 50 क्वेश्चन हैं और 50 में आप इसी तरीके से करते हो तो आपके आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और आपका स्कोर 100 या 100 से पार हो जाएगा और आपका पेपर बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल एक सटीक तरीका है पेपर कैसे हल करना है, अगर ये आप 3 स्टेप वहाँ पे फॉलो करते हैं तो श्योरली आपका पेपर निकलेगा 100%। ये बिल्कुल एक मास्टर प्लान है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।